क्या होनी चाहिए कि रैम की रिक्वायरमेंट कम से कम 4 GB होनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि हमारे सिस्टम में 2 GB रैम भी है तो हम विंडोज 11 इंस्टॉल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। तो देखिए, आज मैं एक अलग वीडियो बनाने जा रहा हूँ विंडोज 11 के ऊपर ही, कि उस सिस्टम में मैं विंडोज 11 इंस्टॉल करने जा रहा हूँ जिसकी रिक्वायरमेंट हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होता है, लो लेवल में होता है, लो होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे इसके हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुआ तो विंडोज इंस्टॉलेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें कुछ माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि ये सारे चीज़ें रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे मैं हमारे पास से सबसे पहले तो सिस्टम में रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कि रैम की रिक्वायरमेंट कम से कम 4 GB होनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि हमारे सिस्टम में 2 GB रैम भी है तो हम विंडोज 11 इंस्टॉल कर सकते हैं। जो इस समय हमारे सिस्टम में 2 GB ही रैम अवेलेबल है, उस पर भी हमने विंडोज इंस्टॉल किए भी हैं, अभी हो भी चुका है। मैं अभी करके भी आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हमें करना है और उसमें क्या क्या हमें ध्यान रखना है किस तरीके से। दूसरा होता है कि हमारे सिस्टम के साथ साथ हार्ड डिस्क जो हमारा होना चाहिए वो UEFI में होना चाहिए, तभी आप विंडोज 11 को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अन्यथा अगर विंडो आपका हार्ड डिस्क अगर UEFI में मोड में नहीं है, जिसे हम GPT बोलते हैं, अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम आप लेगेसी मोड में भी हम कर सकते हैं, जिसे हम MBR बोलते हैं। MBR में भी अगर यदि हार्ड डिस्क हमारा है तभी भी हम उसमें विंडोज 11 इंस्टॉल कर सकते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन होता है, तीसरा है TPM। TPM एक सिक्योरिटी के लिए ऑप्शन है, वर्जन होता है, जिसमें TPM अगर जिस सिस्टम में अवेलेबल नहीं होता है, चाहे डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, तो उसमें भी विंडोज 11 इंस्टॉल नहीं होता है। लेकिन हम आपको यहाँ पर TPM भी दिखाएंगे कि TPM अवेलेबल नहीं भी है, उसके बावजूद भी हमने इस पर विंडोज इंस्टॉल किया है, विंडोज 11 इंस्टॉल किया है। तो कैसे इंस्टॉल किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा जी। ठीक, ये तो हमारा हुआ हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको बताया है जी। तो देखिए, इसके लिए रिक्वायरमेंट तो फुलफिल किए, अब इसके साथ साथ में हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है जिसमें लो। तो सबसे पहले हम अपने सिस्टम के बारे में आपको दिखा देते हैं कि सिस्टम में हमारा डिटेल्स में हमारा प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है और सारे चीज़ क्या क्या है, वो सारे चीज़ हम आपको पहले दिखा देते हैं, उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट यहाँ पर चेक कराने जा रहे हैं। आपको कैसे चेक करना है, सबसे पहले अपने कीबोर्ड पर विंडोज प्लस आर की को हम प्रेस करेंगे, विंडोज के साथ आर की को प्रेस करेंगे, और जैसे ही हमने विंडोज प्लस आर प्रेस किया तो यहाँ पर रन ऑप्शन आ जाएगा, और रन ऑप्शन में हम कमांड को चलाएंगे। उस कमांड का है DXDIAG, इंटर कर देंगे जी। इसके बाद हमें डायग्नोस करके इसमें सिस्टम का रिक्वायरमेंट बता देगा कि इसमें प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, रैम कौन सा लगा हुआ है, ये सारे चीज़ हमें यहाँ पर अभी डिटेल्स डेस्कटॉप पर आ जाएंगे जी। देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्रोसेसर कौन सा, इंटेल आर पेंटियम आर है, ठीक है, G620 है, और इसमें मेमोरी मतलब रैम जो हमारे लगे हुए हैं 2048 MB, इट मीन्स 2 GB का रैम लगे हुए हैं, 2 GB से ज़्यादा रैम नहीं है। लेकिन अब इस सिस्टम में लो लेवल के सिस्टम में लो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें भी हम इसमें विंडोज 11 इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो किस तरीके से हम करने जा रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल करना होगा, उस सॉफ्टवेयर का नाम है विंटू एचडीडी। ऑलरेडी हमारे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, और हमने इसे इंस्टॉल करके रखे हुए। देखिए, ये सॉफ्टवेयर हमारा है विंटू एचडीडी। फिर और साथ में ये भी हमें रखना है कि विंडोज 11 का ISO इमेज फाइल भी हमारे पास होनी चाहिए, सी ड्राइव को छोड़ के किसी दूसरे ड्राइव में हमें विंडोज 11 का इमेज फाइल रखनी है, क्योंकि सी ड्राइव आपका फॉर्मेट हो जाएगा तो उसके सारे डेटा लॉस हो जाते हैं, तो हमें सी ड्राइव का डेटा जो भी है उसको हमें पहले बैकअप ले लेने हैं। तो हम बैकअप के बारे में हम पहले बता चुके हैं, तो आपको यहाँ पर हमें ध्यान देखना है कि किस तरह से हम विंडोज 11 इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो अब हमारे पास देखिए सेटअप डाउनलोड है, आप गूगल में जाकर Win2HDD टाइप कीजिएगा, इसका सेटअप ओपन हो जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस डाउनलोड फाइल कोई बहुत लंबी फाइल नहीं है, मात्र 9 कुछ MB है, मान के चलिए 10 MB का ये फाइल है, तो 10 MB का फाइल आप इजी वे में डाउनलोड कर सकते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम है Win2HDD। अब इस पर हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करने जा रहे हैं,
और डबल क्लिक जैसे मैंने कहा इसका सेटअप रन हो जाएगा, यस ओके। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, यहां पर हम एक्सेप्ट करते हैं एग्रीमेंट का। नेक्स्ट 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 स्टॉप फिनिश। और देखिए हमने इसे इंस्टॉल कर लिया है। अब इंस्टॉल करने के बाद हम यहां पर विंडोज 11 इंस्टॉल करने जा रहे हैं। जो इंस्टॉल होने के बाद हमारा सेटअप यहां पर डेस्कटॉप पर आ चुका है। यहां पर देखिए विन टू HDD के नाम से यहां पर अवेलेबल है, विन टू HDD। इस पर डबल क्लिक करेंगे, यस क्योंकि इंटरनेट के लिए इसलिए ऑप्शन हमें पूछता है कि ये अपडेट इसका वर्जन आए हुए, तो अपडेट के लिए कहता है कि आप इंटरनेट से कनेक्ट करें। रीइंस्टॉल विंडोज, क्योंकि हमें दोबारा इसमें इंस्टॉल करना है, रीइंस्टॉल विंडोज पर इसमें क्लिक करेंगे, इमेज फाइल। यहां पर सबसे पहले हमें विंडोज 11 का इमेज फाइल को सिलेक्ट करना है, तो हम किस तरह सिलेक्ट कर रहे हैं ये भी दिखा रहे हैं आपको। देखिए येलो कलर का जो फोल्डर बना हुआ, इस फोल्डर को आप फोल्डर के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहां पर हमारे विंडोज 11 का जो फाइल्स हैं उस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। आईएसओ फाइल हमने सिलेक्ट करके ओपन। देखिए हमारे विंडोज 11 का फाइल्स यहां पर ऑलरेडी आ चुके हैं जी, और इसमें जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे विंडोज 11 का है वो सारे फाइल्स उसके वर्जन के साथ आए हुए। तो देखिए यहां पर आर्किटेक्चर में दिया हुआ है कि x86 x86 का मतलब होता है 64 बिट, क्योंकि ये विंडोज 11 जो हमारे आए हैं वो 64 बिट में ही आए हैं, अभी तक 32 बिट नहीं आए, तो इसे 64 बिट ही हम इसमें यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर जो भी वर्जन को आपको सिलेक्ट करना चाहते हैं, विंडोज 11 प्रो करना चाहते हैं विंडोज 11 प्रो भी कर सकते हैं, एजुकेशन करना चाहते हैं एजुकेशन भी कर सकते हैं, एजुकेशन एन करना चाहते हैं एजुकेशन एन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर होता है कि हम कौन सा यूज किए हैं। तो हम यहाँ पर जो विंडो 11 प्रो इंस्टॉल करने जा रहे हैं, विंडो 11 प्रो को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे जी, और आपको यहाँ पर देखिए फिर मैं आपको दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि यदि बाय चांस आपका सी ड्राइव को आपने बैकअप नहीं लिए हैं तो सी ड्राइव के डेटा जितने भी हैं सारे फॉर्मेट हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, इसलिए आप बैकअप पहले लीजिए। अगर बैकअप अभी भी नहीं लिए तो बैक जाकर बैकअप आप ले सकते हैं, अभी तक कोई काम खराब नहीं हुआ है। तो हमें बैकअप तो नहीं लेना है, हमारे पास जो भी था बैकअप हमने ले चुके हैं डी ड्राइव और ई ड्राइव में। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट करने जा रहे हैं, और हमारा इंस्टॉलेशन मोड क्या है, लेगेसी मोड ही है, और हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट करने जा रहे हैं जी, यस। और हमारा यहाँ पर कुछ टाइम वेट करना होगा, ये सेटअप उसका रन कर रहा है। अब देखिए कह रहे हैं ए रिबूट द इज रिक्वायर्ड द कंप्लीटिंग द ऑपरेटिंग, आर यू श्योर योर वांट टू कंटिन्यू, मैंने कहा यस। अब ये इनिशियलाइज मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, प्लीज वेट, कह रहा है कि कुछ देर आप इंतजार कीजिए, अभी 0% है, अभी ये चलेगा 0% से 100% तक। इसमें काफी बार ऐसा होगा कि सिस्टम आपका बार बार रीस्टार्ट होगा, फिर ऑन होगा ऑटोमेटिक, तो इसमें कोई हमें हर बार आने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ये प्रोसेस कंप्लीट होता रहेगा और रिबूटिंग होता रहेगा। देखिए रीस्टार्ट हो गया जी, तो देखिए हमारा अब 0 से 4% तक हो गया है, और इसी तरीके से ये 100% तक कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिक आपको रीस्टार्ट हो जाएगा जी, ठीक है। तो आप कुछ देर वेट कीजिए, यहाँ पर कुछ टाइम आपको वेट करना होगा।
तो देखिए ये हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो गया क्योंकि 100% कंप्लीट हो चुका है कॉपी। अब इसके बाद में हमारा सेटअप फिर दोबारा रन हो रहा है। देखिए यहाँ पर रन आ गया, विंडोज का लोगो भी बना हुआ आ गया है और यहाँ पर कर्सर भी मूवमेंट करना शुरू कर गया है, जिससे कि आपका सेटअप रन कर गया है जी। यहाँ देखते जाइए, आपका ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप आते रहेगा ऑटोमेटिक। आपको यहाँ कुछ चेंजिंग नहीं करना है ना कुछ छेड़छाड़ अभी करने की जरूरत है, ये ऑटोमेटिक आपका रन करता रहेगा जी। अभी तो देखिए ये रीस्टार्ट होने के बाद हमारा फिर लिखा हुआ आ गया जस्ट ए मूवमेंट, मैंने आप जस्ट ए मूवमेंट आप कंप्लीट होगा, कुछ टाइम यहाँ पर भी वेट करना होगा। और देखिए माउस का भी हमारा कर्सर यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो मैं इसके कहने का मतलब, मेरा बताने का मतलब है कि आपका जो सेटअप है वो रन कर रहा है। आप कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि जो आपका सेटअप रुका हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका कि ये बार बार रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होकर ये ऑटोमेटिक ये रन करता रहेगा। ये विंडोज 11 का प्रॉपर्टीज है जो ये इस तरह से वर्क करता है। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट, तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है इंडिया, क्योंकि हम इंडिया में हैं तो इंडिया सेलेक्ट करना है। देखिए हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिए, यस। इंग्लिश इंडिया हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पर, यस। एड ए लेआउट, तो लेआउट हमें तब यहाँ यूज करना है, एड ए लेआउट की सेकंड कीबोर्ड लेआउट हमें अटैच करना है, तो हमें सेकंड कोई कीबोर्ड का अटैच नहीं करना है, केवल स्किप कर देना है आपको। देखिए यहाँ पर ये सिंबल बना हुआ आ गया वाईफाई का, मतलब कहने का मतलब ये इस सिस्टम को आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा, लेकिन हम बिना कनेक्ट किए भी हम विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि वहाँ पर इंटरनेट का सुविधा अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमने इस वीडियो में के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास नहीं है तो इस सेटअप में इस ऑप्शन दिया है कि आई डू नॉट हैव ए इंटरनेट, हम यहाँ से सिलेक्ट नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा जी। कंटिन्यू विद द लिमिटेड स्टेप, अब देखिए इसके बाद में लिखा हुआ आ गया प्लीज रिव्यू द लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट। अब यहां पर आप इंटर नेम करना है, कुछ भी नाम आप टाइप कर सकते हैं, जैसे मैंने टाइप कर दिया डेल। डेल नेक्स्ट। पासवर्ड देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं देना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट। अब यहां पर कुछ हमारा चूज द प्राइवेसी सेटिंग फॉर द फॉर योर डिवाइस, हम इस डिवाइस में जो भी कुछ सेटिंग है उस सेटिंग को हम ऑफ करने जा रहे हैं। जिससे कि नोटिफिकेशन हमें बार बार एरर ना आए। एक्सेप्ट, जस्ट ए मोमेंट,
अब देखिए लिखा हुआ आ गया है गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर योर अब दिस माइट टेक ए फ्यू मिनट्स, यहां पर कुछ मिनट तक आपको वेट करना होगा। और इस कंडीशन में ये भी बता रहा है कि डू नॉट टर्न ऑफ योर पीसी, आप इस कंडीशन में हमें पीसी को टर्न ऑफ भी नहीं करना है, हमें कंप्यूटर को ऑन रखेंगे। तो देखिए फिर से हमारा यहाँ पर रन हुआ, ऑलमोस्ट देयर लिखा हुआ आ गया। और देखिए विंडोज हमारा कंप्लीट हो चुका है और इस पर हमारा सेटअप भी आ चुका है। अब देखिए ये विंडोज 11 का सेटअप है। तो इस तरह से हम आपको विंडोज 11 के बारे में मैंने इंस्टॉलेशन बताया, क्योंकि ये विंडोज 11 के बारे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे कि लो लेवल के जो सिस्टम होते हैं जिसमें हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कम होते हैं उसमें विंडोज 11 इंस्टॉल हो ही नहीं सकता है। लेकिन मैंने आपको करके भी दिखाया है कि किस तरह से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने हार्डवेयर रिक्वायरमेंट भी आपको मैंने दिखाया कि इस सिस्टम में मात्र हार्ड डिस्क अगर देखेंगे तो 160 GB लगा हुआ है, हार्ड रैम आपको 2 GB लगा हुआ है, इंटेल R20M का प्रोसेसर लगा हुआ है, A61 मदरबोर्ड हमारा है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ऐसे माइक्रोसॉफ्ट तो बताती है कि कम से कम आपके 4th या 5th जनरेशन का ही सिस्टम होनी चाहिए जिसमें आपको TPM भी अवेलेबल होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ और चेक करके दिखा देता हूँ कि TPM यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे TPM.msc इंटर TPM। देखिए मैनेजमेंट ऑन द लोकल कंप्यूटर लिखा हुआ आ गया जी, और कंपेटिटिव TPM कैन नॉट बी फाउंड, इसमें TPM फाउंड नहीं किया, इस मीन्स इसमें TPM नहीं भी है। तो इस सिस्टम में TPM नहीं भी है, उसके बावजूद भी हमने क्या किया है कि इसमें विंडोज 11 को इंस्टॉल कर लिए हैं। मल्टीटेक चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद।